बड़ी खबर आ रही है नरसिंहपुर से, जहां नरसिंहपुर में कोरोना की एक बड़ी संख्या सामने आई है। यह पहला मौका है जब नरसिंहपुर में एक साथ 5 कोरोना संक्रमित पाए गए। ICMR से गुरुवार दोपहर आई रिपोर्ट में 5 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। इन मरीजों में अवंती नगर ग्राम डेटवारा के 3 व्यक्ति शामिल है, एक व्यक्ति समीपी गाँव खापा और एक अन्य व्यक्ति करकवेल का है। सभी मरीजों के पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि सिविल सर्जन डॉक्टर अनीता अग्रवाल ने की है। पॉजिटिव पाए गए लोगों के कॉन्टेक्ट हिस्ट्री तलाश करने में प्रशासन लगा हुआ है। तीनों जगह पर कंटेनमेंट एरिया बनाने की तैयारी प्रशासन द्वारा जारी है। प्रशासन की पूरी मुस्तैदी से बचाव के कार्य में लगा हुआ है। प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है। अब जिले में कुल सक्रिय केसों की संख्या 14 हो गई है। जी, जो सैंपल परसों हुआ था उसमें 131 लोगों की रात को रिपोर्ट आई थी, जिसमें से 23 सस्पेक्टेड थे। उन 23 लोगों की सस्पेक्टेड की आज रिपोर्ट आई है, जिसमें से 5 पॉजिटिव आए हैं। ये कहाँ पाए गए हैं पॉजिटिव? इसमें से एक करकबेल के हैं, 3 नरसिंहपुर के हैं, अवंती वार्ड के हैं, सिंहपुर ब्लॉक में लगते हैं, और एक खापा का है। तो वहाँ पर अब इनका भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह होगा आगे, या कंटेनमेंट एरिया बनाया जाएगा इस संबंध में? जी बिल्कुल, इनका कंटेनमेंट जोन बनेगा और कॉन्टैक्ट फर्स्ट को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी होगी, क्योंकि वो पॉजिटिव आए हैं। और ये देखा जा रहा है कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। जब इस बारे में सिविल सर्जन डॉक्टर अनीता अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने बताया लोगों में जागरूकता की कमी के चलते लोग COVID-19 के नियमों पर ध्यान नहीं दे रहे और ना ही पालन कर रहे, जिसके कारण प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो क्या मानते हैं आप इसको, क्या कारण है इसका? जी बिल्कुल सही बात है। ये जो कुछ लोग बाहर से आए थे उनके द्वारा ये पॉजिटिव आने लगे हैं, लेकिन जनता में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें 3 हैं। एक तो मास्क लगाना, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग, और तीसरा हाथ धोना, बार बार हाथ धोना, सैनिटाइज करना। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मैं तो हॉस्पिटल से बात करती हूँ, डेली ये देख रही हूँ कि लोगों को बार बार बोलने पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी वो पालन नहीं कर रहे हैं। और इस तरह से यदि कम्युनिटी लेवल पे यदि ऐसा ही चलता रहा तो कम्युनिटी लेवल पे ट्रांसमिशन हो जाएगा, और जिसकी बहुत मतलब बहुत ही संभालना बहुत मुश्किल होगा। तो हमें जनता में अवेयरनेस लाने की बहुत ज़रूरत है। अभी जो हालात हैं, अगर ऐसे ही हालात रहे तो आगे जाके स्थिति और ज़्यादा खराब होगी। बहुत ज़्यादा, बहुत, हम लोग उसी को लेकर चिंतित हैं, बहुत खराब होने वाली है स्थिति। नरसिंहपुर से विवेक पटेल की रिपोर्ट।